स्वागत है आपका फिर से टेक्स मैच के एक नए एपिसोड में। और आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपने वीडियो फुटेज में से बैकग्राउंड नॉइजेस को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप पहले वो वाली वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि उसमें जो कुछ भी मैंने कवर किया है उससे आपका 85-90% जो भी बैकग्राउंड का नॉइज का इशू है वो सारा सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो कुछ भी बच जा रहा है, जो 10-15% का नॉइज का इशू है वो सॉफ्टवेयर की मदद से किस तरह से स्मार्ट और प्रोफेशनल तरीके से कवर करते हैं, वो सारी चीज़ें आज सीखेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला ये होता है कि अगर आप कोई भी फुटेज रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसका 70% सिर्फ ऑडियो ही होता है और बाकी का जो 30% है वो आपका वीडियो का फुटेज होता है। तो अगर आपका वीडियो का फुटेज ओके है लेकिन अगर आपकी ऑडियो की क्वालिटी अच्छी है तो आपके पब्लिक का जो भी आपकी जो ऑडियंस है उनका रिटेंशन काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप रिकॉर्डिंग के टाइम में जितने सराउंडिंग में आपके नॉइजेस कम रहेंगी, मतलब आप जो रॉ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो जो ओरिजिनल फुटेज है उसमें जितना कम से कम नॉइज़ हो सके आप पॉसिबल आप कोशिश करो कि वो रहे, ताकि आपको एडिटिंग के टाइम पे आपके सरदर्दी कम रहे। नहीं तो क्या होगा कि जब अगर आपके ऑडियो में नॉइजेस बहुत ज़्यादा हैं तो आप उनको रिड्यूस करने के लिए नॉइज़ रिड्यूसर्स वाले प्रीसेट्स लगाते जाओगे और उससे क्या होगा आपकी जो वोकल की जो ऑडियो की क्वालिटी है वो धीरे धीरे डाउन होती जाएगी और एक ऑटो ट्यून टाइप का आवाज़ आने लगता है उसमें और वो मज़ा नहीं आता फिर। तो आपके जो नेचुरल वॉइस की जो टोन है वो मेंटेन रहे उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो सराउंडिंग की बैकग्राउंड नॉइजेज हैं वो काफ़ी हद तक मैन्युअली कंट्रोल्ड हो, उससे आपको एडिटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको फुटेज में जब दिखाऊंगा आपको एडिटिंग सेक्शन में तो मैं आपको दिखाऊंगा रॉ वीडियो, मैंने सिर्फ उसमें कट्स लगाए हैं, किसी भी तरीके का प्रीसेट नहीं यूज़ किया और आपको सिर्फ मशीन के हिसिंग का जो मोबाइल फ़ोन से जो जैक का कनेक्शन होता है उसकी वजह से जो हल्का सा हिसिंग का साउंड आता है सिर्फ आपको उतना ही सुनाई देगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो अब चलते हैं हम सीधा अपने मेन स्क्रीन पे और दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से आपको ऑडियो एडिट करना है। टाइम मास्टर का मैंने मॉड APK का डाला है, क्रैक वर्जन है, जुगाड़ वाला। अगर अपने सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो तो वहाँ से डाउनलोड कर लो, नहीं तो अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, कुछ 1300-1400 रुपये का ईयरली सब्सक्रिप्शन आता है उसका। अगर आप मालदार पार्टी हो तो वहाँ से डाउनलोड कर। अब चलते हैं सीधे हमारे एडिटिंग सेक्शन वाले स्क्रीन पे और दिखाते हैं कि किस तरह से आप अपने ऑडियो को एडिट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आ जाना है अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो लेफ्ट कॉर्नर पे दिखाई दे रहा होगा ये प्लस का साइन, इस पे आपको टैप करना है और जिस भी एस्पेक्ट रेशियो में आप वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं आप वो सेलेक्ट कर लो। मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो चाहिए तो मैं 16:9 सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपको टिकटॉक के लिए चाहिए तो 9:16 कर सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम के लिए चाहिए तो आप 1:1 कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको राइट साइड में मीडिया दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप करना है और उसके बाद आपका फोल्डर खुल जाएगा जहाँ पे भी आपकी सारी वीडियोस हैं। तो आप जिन भी वीडियोस को एडिट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लो। एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं ये वाली वीडियो एडिट करना चाहता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे ऊपर से मैंने इसको ओके किया, अभी ये मेरे टाइमलाइन में वीडियो आ चुका है। ठीक है, अब सपोज मुझे ये वाला वीडियो एडिट करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको जहाँ जहाँ पे मैंने गलतियाँ की हैं मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। सपोज यहाँ यहाँ मैंने गलतियाँ की थी। ओके, इसको ओके कर दिया। अब सपोज करो कि ये मेरा जो वीडियो है ये मेरा फाइनल वीडियो है और मैं चाहता हूँ इसमें एडिटिंग करना, इसकी जो वोकल्स है उसको सुधारना चाहता हूँ। तो पहले क्या करो, आपने जहाँ जहाँ गलतियाँ की हैं पहले आप उसको कटवर्ट कर लो, अच्छे से एडिट कर लो, उसके बाद एक बार प्ले करके चेक कर लो कि वीडियो सही से चल रहा है या नहीं। स्वागत है आपका फिर से टेक्स मैच के एक नए एपिसोड में और आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपने वीडियो फुटेज में से। ओके गाइस, तो अभी हल्का सा हेसिंग का साउंड मुझे नोटिस हो रहा है, मैंने ईयरफोन लगा के भी सुना इसको। तो आपको क्या करना है, जब ये आपका एडिटिंग हो जाता है तो आप इसको एक्सपोर्ट कर लो। पहले एक्सपोर्टिंग के लिए आपको अलग अलग ये फॉर्मेट्स दिखाई दे रहे होंगे, QHD आपका 2K होता है, Full HD आपका 1920x1080p होता है और उसी तरह से नीचे। मैं यूजली सिनेमेटिक वीडियोज शूट करता हूँ तो मैं 24fps पे करता हूँ, आप चाहो तो 30fps पे कर सकते हो। और नीचे में आपको ये बिटरेट दिखाई दे रहा होगा, बिटरेट की क्वालिटी आप जितने ज़्यादा हाई रखोगे आपका वीडियो का जो क्रिस्पनेस है उतना ज़्यादा बरकरार रहता है। तो मैं हमेशा इसको मैक्सिमम पे सेट करके रखता हूँ। और नीचे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसको एक्सपोर्ट बटन पे डाल देना है। एक्सपोर्टिंग के टाइम पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आपका वीडियो एडिटिंग के बाद एक्सपोर्ट अगर हो रहा है तो आपका स्क्रीन ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा तो आपका जो रेंडरिंग हो रहा है या फिर जो एक्सपोर्ट हो रहा है आपका फाइल वो वहीं पे पॉज कर जाता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, या तो वीडियो एडिटिंग से पहले डिस्प्ले के सेटिंग्स में जाके उसको 5 मिनट पे सेट कर दो ताकि आपका स्क्रीन गलती से भी ऑफ ना हो जाए,
नहीं तो आप स्क्रीन पे कंटिन्यूसली कुछ देर पे आप टैप कर सकते हैं ताकि स्क्रीन ऑफ ना हो। ओके गाइस, तो अभी हमारा जो वीडियो का रेंडरिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये फाइल का नाम है अनटाइटल 391440p। इसको एक बार वापस से प्ले करके देख लेते हैं। स्वागत है आपका फिर से टेक स्मैश के एक नए एपिसोड में, और आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपने वीडियो फुटेज में से बैकग्राउंड नॉइजेस को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के मदद से। ओके गाइस, तो अभी मुझे हल्का सा हैसिंग का साउंड इसमें सुनाई दे रहा है, तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके गाइस, तो अभी आपको क्या करना है, आपको आ जाना है लेक्सिस ऑडियो एडिटर पे। ये आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। आपको उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपने वीडियो को एडिट किया था। तो मैंने ऑलरेडी इसको सेलेक्ट करके रखा था काइन मास्टर का, ऊपर में आपको पाथ दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर वीडियो को, ये हमारा दिख रहा है अनटाइटल्ड 391440p.mp4। तो ये हमारा वीडियो है और हमको क्या करना है, इसका ऑडियो निकालना है। तो आप इसको बस टैप करो और ओपन कर दो। अभी ये लेक्सिस ऑडियो एडिटर क्या किया, इसने उस वीडियो में से जो भी ऑडियोज थे उसको अपने टाइमलाइन में इंपोर्ट कर लिया इसने। वापस से प्ले करके देखते हैं। स्वागत है आपका फिर से टेक्स्ट मैच के एक नए एपिसोड में, और आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपने वीडियो फुटेज में से। ओके गाइस, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको आपको राइट कॉर्नर पे तीन वाइट डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, आपको उस पर टैप करना है और इफेक्ट्स में जाना है। उसके बाद आपको नीचे में दिखेगा नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन, आपको इस पर टैप करना है और आप अपने हिसाब से इसको आगे पीछे करके देख सकते हो, आपका जितना ज़्यादा नॉइज है उसके हिसाब से। और अप्लाई करने से पहले आप उसको प्ले करके देख लो ताकि आपको पता चले कि किस तरह के इफेक्ट्स हैं। अगर लगे कि नॉइज़ ज़्यादा है तो आप थ्रेशोल्ड को और रेट को हल्का सा इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कीजिएगा, उससे क्या होगा आपका जो वोकल का क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, तो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। स्वागत है आपका फिर से टेक्स्ट मैच के एक नए एपिसोड में, और आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपने वीडियो फुटेज में से। मैंने जो अभी सेट करके रखा इससे बैकग्राउंड का नॉइज़ अभी मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अप्लाई का बटन क्लिक करता हूँ, इस पर अप्लाई हो जाएगा अभी ये नॉइज़ रिडक्शन का प्रीसेट। ओके, तो आपको ग्राफ में हल्का सा दिखाई देगा कि वो हल्का सा श्रिंक कर गया है। वापस से अभी क्या करते हैं हम इसमें, अब इसके वोकल को थोड़ा सुधारना पड़ेगा, तो हम इसमें एम्पलीफायर लगा देते हैं थोड़ा सा ताकि वो वॉइस में आपके हल्का सा थंप आ जाए वापस से। अभी आपको ग्राफ हल्का सा उठा हुआ सा दिखाई देगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखा आपको ये हल्का सा, अभी क्या हुआ इसमें हल्का सा ये ऊपर आ गया। अब इसको लास्टली क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। डिफॉल्ट पे सेट करना, आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना इसमें। अब वापस इसको प्ले करके देखते हैं। स्वागत है आपका फिर से टेक्स मैच के एक नए एपिसोड में, और आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपने वीडियो फुटेज में से। ओके गाइस, तो अभी हमारा ये फाइल कंप्लीट हो चुका है एडिटिंग का। अब आपको क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है और अनटाइटल जो उसका नेम था ना उसमें आप कुछ भी नाम डालो ताकि आपको ध्यान में रहे। तो अनटाइटल हमारा जो वीडियो का नाम था उसी पे था, तो मैं यहाँ पे एडिशनली क्या ऐड कर देता हूँ, ऑडियो डाल देता हूँ ताकि मुझे ध्यान में रहे कि ये वाली ऑडियो फाइल है। अब इसको क्या करना है, आपको सिंपली सेव कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इसको वापस से कट कर देना है और आपको चले जाना अपने वापस से काइन मास्टर वाले ऐप में। बैक करते हैं, एग्जिट किया यहाँ से। अब आपको क्या करना है, वापस से आप फाइल को ओपन करो जो स्टार्टिंग में जो प्रोसेसेस आपने किए थे। अब आप वापस से मीडिया लाइब्रेरी में जाओ और आपको ऊपर में एक्सपोर्ट का फाइल दिखाई दे रहा होगा, आपको उस पर टैप करना है। ये हमारा एक्सपोर्टेड फाइल है, इसको हम लोग टैप करके ओके कर लेते हैं। तो ये हमारे टाइमलाइन में आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इस पर आप टैप करो और इसकी जो ऑडियो है इसको आप म्यूट कर दो। ओके, और बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाना आपको टाइमलाइन के, और वापस से आपको ऑडियो पे टैप करना है और आपका जो फाइल था अनटाइटल 39 वाला, ये रहा हमने अनटाइटल 391440p ऑडियो, इस पर आपको क्या करना है, प्लस साइन करके आपको अपने टाइमलाइन में ऐड करना है। आपको नीचे ये दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर का। स्वागत है आपका फिर से टेक्स मैच के एक नए एपिसोड में, और आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपने वीडियो फुटेज में से। ओके गाइस, तो इसमें से अभी कम्प्लीटली पूरा जो हल्का सा हिसिंग का साउंड था मशीन का वो कम्प्लीट तरीके से गायब हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको म्यूजिक ऐड करना है, तो आपको वापस से ऑडियो पे टैप करना है। इसको मैंने इम्पोर्ट कर लिया
और इसकी वॉल्यूम को आपको क्या करना है, इसकी वॉल्यूम को आपको कम कर देना 30% पे। और ये जो फाइल साइज है ये कंप्लीट वीडियो के एंड तक अपने को चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको ऑडियो डकिंग ऑन कर देते हैं और लूप टू द एंड, ये तीनों ऑप्शंस आपको सेलेक्ट कर लेना है। अभी जो ये वीडियो है वीडियो के एंड तक आ चुका है, आप देख सकते हैं नीचे ऑरेंज लाइन में। वापस इसको प्ले करके देखते हैं। स्वागत है आपका फिर से टेक्स्ट मैच के एक नए एपिसोड में, और आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपने वीडियो फुटेज में से बैकग्राउंड नॉइजेस को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अभी हमारा जो वीडियो का एडिटिंग का सेक्शन था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, अब जाके आपको आपके वीडियो का जो इंट्रो और आउट्रो है आपको वो सारी चीज़ें ऐड करनी है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप कभी भी वीडियो को एडिट कर रहे हो उसके साउंड को, तो आप कभी भी इंट्रो या फिर किसी भी तरीके का म्यूज़िक नहीं डालोगे उसमें, या फिर किसी भी तरीके का आउट्रो नहीं डालोगे। आप पहले अपनी वीडियो को अच्छे से पहले एडिट कर लो और उसके बाद उसमें काम करना, नहीं तो आप क्या होगा कि अगर आपने सब कुछ एक साथ डाल दिया उसके बाद आप ऑडियो को सुधारने जाओगे, आपका वोकल तो सुधर जाएगा लेकिन आपने जो इंट्रो का म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है उससे। सपोज़ अभी मेरा ये वीडियो फाइनल एडिट हो गया, अब मैं इसमें क्या करूँगा, मीडिया में जाके इंट्रोज वगैरह डाल देता हूँ। ओके गाइस, तो अभी मैंने क्या किया, अपना इंट्रो ऐड कर लिया।